भिंड से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और 30,000 के नामी शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। भिंड जिले की परोसा गांव के शैतान सिंह शराब माफिया से जुड़ा हुआ मामला है। आरोपी पर नकली शराब बनाने और सप्लाई करने के कई मामले दर्ज थे। शराब माफिया शैतान सिंह का नेटवर्क भिंड के अलावा मुरैना, ग्वालियर के साथ कई जिलों में था। लगभग 6 माह से फरार चल रहे शैतान सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। साइबर सेल के प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि आरोपी अपने साथी के साथ अपने गांव से ग्वालियर की तरफ गोहद होते हुए जा रहा है। तभी भिंड पुलिस कंट्रोल रूम की मदद से कई थानों की पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी मलानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक खंडर में घुप गया। आपको बता दें कि भिंड पुलिस की ओर से आरोपी के चारों ओर से घेराबंदी की गई। घेराबंदी के बाद आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई। इसमें शिव प्रताप सिंह राजावत साइबर सेल प्रभारी के हाथ से गोली छू कर निकली, जिससे वो घायल हो गए और बाल बाल बचे। तब भिंड पुलिस की ओर से आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें गोली शैतान सिंह शराब माफिया के पैर में लगी और 30,000 का नामी बदमाश शैतान सिंह और एक साथी को पकड़ा गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया। वहीं साइबर सेल प्रभारी शिव प्रताप सिंह का भी उपचार कराया गया। ये शैतान सिंह भदौरिया परोसा गांव का रहने वाला है। इस पे विगत 5-6 माह से फरार चल रहा था। इस पे अवैध शराब तस्करी, जहरीली शराब आदि के कई प्रकरण थे। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ये अपने गांव परोसा से और ग्वालियर तक जा रहा है। तो इसकी लोकेशन पिपाड़ी एक्ट के पास मिली, तो वहाँ से इसको पीछा किया, तो वहाँ से भागा। तो कंट्रोल रूम की मदद से हमने थानों को सूचना दी थी। तो इसको मालानपुर में फैक्ट्री एरिए में इसको दोनों तरफ से घेरा, जहाँ पर इसने पुलिस पर फायरिंग की। जब भी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी, तो इस प्रकार ये और इसका एक साथी का इंद्रजीत, इन दोनों को गिरफ्तार किया। इसमें किसी पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, किसी के या अधिकारी को किसी? इसमें मुझे थोड़ी चोट आई है हाथ में, और इसके अलावा शैतान को पैर में गोली लगी है। बाकी उपचार के लिए उनको देखते हैं।